नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। बांदा में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्थर है जो पानी में डूबता ही नहीं है, जिसको लेकर ग्रामीणों में कोताहुल का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने कई बार उस पत्थर को पानी पर फेंका पर पत्थर डूब ही नहीं रहा है। नदी में बहकर आया पत्थर पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के कई लोग तो पत्थर को अनादिकाल से जोड़कर देख रहे हैं। जैसे रामायण में समुद्र पर पुल बनाने में नल और नील द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबते थे, उसी तरह ये वाला पत्थर नहीं डूब रहा है। बता दें कि पूरा मामला बबीरू तहसील के लखनपुर गांव का है, जहां नदी नहाने गए कुछ ग्रामीणों को नहाने के दौरान नदी में बहता हुआ एक पत्थर तैरता दिखाई दिया। उत्सुकतावश ग्रामीणों ने पत्थर को पानी से निकाला, कई बार पानी में फेंका पर पत्थर पानी में नहीं डूबा। इसी को लेकर पूरे गांव में ये पत्थर चर्चा का विषय बना हुआ है। कई ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल साइट्स पर डाल दिया, जिससे वीडियो को हर जगह वायरल हो गया है। कई ग्रामीण तो इस पत्थर को लेकर अलग अलग बातें बता रहे हैं। कुछ लोग तो इसे अनादिकाल से जोड़कर देख रहे हैं, जैसे रामायण काल में भगवान राम के द्वारा समुद्र में बनाए गए पुल में जिन पत्थरों का उपयोग नल और नील ने किया था, जिससे उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबते थे, उसी प्रकार ये वाला पत्थर भी पानी में नहीं डूबता है। हालांकि पत्थर को ग्रामीण अभी गांव पर ही रखे हुए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने मौके पर अधिकारियों को भेजा है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पत्थर को गांव में ही रखवा दिया है ताकि पत्थर की जांच हो सके। भैया, ये आपके गांव में जो नदी में एक पत्थर मिला हुआ है, क्या मामला है, कैसे मिला, क्या जानकारी है? सभी दो तीन लोग जब नदी नहाने आए थे, बहते चला रहा था, हम दो तीन लोग इसको देखा कि क्या बह रहा, इसके पास गए पैर करके, देखा कि ये पत्थर है, फिर निकाल के बाहर लाए, फिर बाहर से दो तीन बार पानी में डाला तो ये डूबता नहीं, फिर ऊपर को बहने लगता। तो हम लोग सोचे कि पता नहीं क्या है, तो हम निकाल के इसको बाहर रख लिए। फिर ये फेसबुक में डाले, मोबाइल द्वारा लड़ बच्चे, तो तहसीलदार के पास ये नियम न्यूज़ चली गई। फिर लेखपाल आए, वो भी अपने सामने पानी में डलवा करके देखे तो तैर रहा था। ऐसा है, हमें वाकई में पत्थर जैसे लग रहा। क्या पत्थर है? अब ये तो हमें तो पत्थर ही जैसा लगता है, हो चाहे जो कुछ। अब इतना तो नॉलेज हमें नहीं किया, और कोई दूसरा धातु है कि क्या है क्या नहीं, हमें तो पत्थर ही समझ में आ रहा। क्या नाम है? शिव प्रकाश। कालीन में नहाया हुआ, ये पत्थर बाहर चला हुआ, एक देखा गया, देखे के बाद इसको यह भर के इसको रखो घर में, कि इसकी जो है तो और जाँच पड़ताल हुई, और आदमी फेसबुक में डाल दिन, फिर लेखपाल कहने को ये भी आए तो ये दिखें पानी में दवाएं, जब पानी में दवाएं तो वहीं तो नवतरात है, तो बस ऐसे देख के और फिर एक ढलवा के चले गए। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बस यह कहा कि इसको रखो, इसमें तमाम आदमी आएंगे, देखेंगे, अधिकारी आएंगे, बस ऐसे करके अपन रखवा चाहेंगे। क्या नाम है आपका? उदय। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए R9 भारत।